एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू ए फ्रेश न्यू ब्लॉग। और आज है 27th ऑफ मार्च, तो अभी बज रहे हैं रात के 8:30 और मैं घर पे ही ऐसे बैठी हुई हूँ। और कुछ कुछ एक्चुअली मेरे वार्डरोब में मैं चेक कर रही थी, ऊपर रखा हुआ है सामान जो डायरी वगैरह है और कुछ कुछ पेपर्स वगैरह, बाकी सारे जैसे सामान होते हैं वो सब है, तो उसी को चेकआउट कर रही थी और थोड़ा सा तय लगा रही थी मैं। इस वजह से मैंने आज ये डायरी सारा निकाल रखा है बाहर, मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितने सारे डायरी, पुराने नए सारे कुछ यहाँ पे है। एक्चुअली ये डायरी वाला सिलसिला क्यों शुरू हुआ मैं आपको बताती हूँ। आज मितेश को एक नया डायरी मिला है, वहाँ पर रखा हुआ है, आप देख सकते हैं बेड के साइड पर। तो उसी वजह से मुझे लगा कि जो पुराने जितने भी है डायरीज हमारे पास, वो एक बार मैं निकाल के देख लूँ। बहुत सारे अनयूज्ड रखा हुआ है और कुछ कुछ में एक दो पेज यूज़ हुए हैं, तो कुछ भी है उसमें अभी मैं अगर जो पुराने वाले हैं वो निकाल के रख दूँ तो किसी यूज़ में आ जाएंगे तो अच्छी बात है, इसलिए मैं देख रही थी। और मेरे पास बुक्स हैं वो भी मैंने निकाल रखा है बाहर, तो उसको भी मैं सही से रखूंगी। तो चलिए देखते हैं कितने डायरीज है, एक एक करके मैं देखती हूँ किसमें क्या लिखा हुआ है। ये कब की, बहुत पुरानी है, 2014 की है। सब में मितेश अपना नाम लिख के रखते हैं। इसमें कुछ लिखा हुआ है या बस ऐसे ही है? अच्छा, ये सब कुछ कुछ लिखा हुआ है, मैं समझ गई ये कौन सी डायरी है, क्योंकि ये जब हम लोग बिफ़ोर मैरिज मैं और मितेश जब मिलते थे, मैं इसमें कुछ कुछ लिखती थी जो कि बाद में देख के याद आए। तो ऐसे ही कुछ कुछ है इसमें, मैं ज़्यादा दिखा नहीं सकती आपको, बट लिखा हुआ है। तो हो गया है सेग्रीगेशन, मैंने देख लिया किसमें क्या है सारे डायरीज़ का। इस ये सब में, तो ये तीनों में मितेश ने अपना मतलब ऑफिस रिलेटेड कुछ कुछ लिखा हुआ है कभी कभी बीच बीच में। एंड बस ये एक है मेरे पास जो था, मैंने इसमें सॉन्ग्स अपने लिखे हैं सिलेक्टिव। और ये तो दोनों का ही यूज्ड है, दोनों ने ही यूज़ किया था, रफ़ जैसा है। और ये वाले सारे अभी ब्लैंक ही है, मतलब अनयूज्ड हैं, ये सब कुछ नहीं हुआ है। एंड वन मोर, मैंने आपको जो अभी न्यू वाला एकदम दिखाया है इस साइड, जो टेबल के साइड है, तो वो अभी नया आया है, टाटा स्टील वाला। यहाँ पे मितेश आए, उसके बाद फिर देखा उन्होंने तो मैं उनको डायरी दिखा रही थी, तो वही पढ़ रहे थे एक एक पेज निकाल के। उस टाइम उन्होंने देखा नहीं होगा तो अभी पढ़ रहे हैं। फिर मैं ये बना रही थी जो आजकल आया है, आधार कार्ड पैन कार्ड लिंक करना, तो वही प्रोसेस यहाँ पे कर रही थी और ओटीपी का वेट कर रही थी पर आ नहीं रहा था, तो वही उसी का वेट चल रहा, आएगा तो फिर अपलोड करूँगी, लिंक करूँगी, हो जाएगा शायद। पैन कार्ड का तो हो गया, आधार कार्ड का भी करूँगी मैं फिर। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, हो गया अब नेक्स्ट डे, आज है 29th ऑफ मार्च और मैं उठ गई हूँ। एक्चुअली मितेश भी सुबह उठ के ऑफिस चले गए हैं और उसके बाद मैं थोड़ा सा इधर उधर बैठी थी, मोबाइल चला रही थी। अब जाऊँगी अपना सारा काम करने, घर में जितने काम पड़े हुए हैं, खाना वाना बनाऊँगी और आज क्या मेन्यू बनाऊँगी वो मैंने सोच रखा है, तो वो बनाऊँगी मैं। मीनवाइल अभी हमारे नेबर्स में जो है वो आंटी आई थी,
तो वो आज आपको पता ही है अष्टमी है, तो वो प्रसाद देके गई है। और प्रसाद आप लोग देखिए क्या देके गई है, मुझे तो देखने में ही यम लग रहा है। और उसको मैं जल्दी से खाऊंगी, अभी मज़ा आ जाएगा। यहाँ पे एक्चुअली मैं ये मिर्ची का जो डंडा है वो हटा के सारा निकाल के रख रही हूँ अलग एक बॉक्स में। मेरी मम्मी कहती है कि ऐसा निकालने पे वो जल्दी ख़राब नहीं होते, पकते नहीं हैं, इस वजह से मैं अलग से ये बॉक्स में करके रख रही हूँ ताकि फटाफट यूज़ में आ जाए और काफ़ी दिन तक ये चले। ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये मैं अपने गैलरी से दिखा रही हूँ आप लोगों को। आवाज़ आ रही है, अरेंजमेंट्स हो रहे हैं। आज अष्टमी की पूजा होगी शाम में, तो ये माता की चौकी है और सारा कुछ यहाँ पे अरेंजमेंट किया जा रहा है। शाम में 6-7 बजे तक शायद शुरू होगा ये, तो हम लोग भी नीचे जाएंगे। और देखिए ये ऊपर से ऐसा लग रहा है, मज़ा आ रहा है, अच्छा लगेगा। मेरा ये पहला एक्सपीरियंस होगा एक्चुअली, मैं बस टीवी वगैरह में ही मैंने देखा था ऐसा इतना बड़ा जैसे कि अरेंजमेंट हुआ है, पर आज मैं डायरेक्टली देखूंगी तो मज़ा आ जाएगा। और ये है टोटल व्यू यहाँ से मेरे बालकनी से जो मैं आपको अभी दिखा रही हूँ, और अच्छा लग रहा है। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने डबल कलर शेड में लगाया था नेल पेंट, अब रेड सिर्फ कर दिया है क्योंकि आज मुझे कहीं जाना है। और कहाँ जाना है मैं आपको बताती हूँ, मैंने दोनों हाथों में लगा दिया है। रुकिए एक दिखाती हूँ मैं आपको, इधर वाला कर दिया और इधर वाला भी कर दिया है, बहुत प्यारा ही लग रहा है। और तो ये देखिए हो गई हूँ मैं एकदम तैयार, और मैंने अपने नेल्स कितने अच्छे कलर में पेंट कर दिया है। वो मैंने डबल कलर में लगाया था लेकिन अब मैंने सिंगल कलर लगा लिया है। रेड इसलिए लगाया है, काफ़ी दिनों से मैंने रेड वाला नहीं लगाया था सिंगल रेड में, तो आज मुझे लगा कि मैं थोड़ा सा रेड लगाऊं। और मुझे कहीं जाना है, मैंने आपको अभी बताया, तो वहाँ के लिए ये रेड थीम और पूरा रेडी होना वो थोड़ा सा वहाँ पे अच्छा लगेगा। और ये व्लॉग आप लोगों ने पूरा देखा होगा, शॉर्ट वीडियो में रख रही हूँ, शॉर्ट व्लॉग रख रही हूँ। 2 दिन से मैंने क्या किया वो बताऊँगी मैं आपको इस वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो के लिए दोबारा मैं फिर से आपसे मिलती हूँ, नया व्लॉग करूँगी उसमें आपको दिखाऊँगी। चलिए तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर और लाइक कीजिएगा, मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा। एटलीस्ट लाइक कर दीजिए, जितने भी व्यूज़ आप लोग दे रहे हैं उतना लाइक आ जाएगा तो अच्छा लगेगा, या उसका 50% भी आ जाएगा तो अच्छा लगेगा। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।